हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इशाक है, आप लोग देख रहे हैं शेख इशाक व्लॉग्स। तो आज का वीडियो है टाटा नैनो के ऊपर। बहुत सारे आदमी लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आज उस क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस गाड़ी का सीसी कितना है। इस गाड़ी का सीसी है 624 सीसी है। ये दो सिलेंडर का इंजन है, ठीक है। बहुत सारे आदमी इसको मारुति 800 से भी कंपेयर करके बोलने के लिए बोलते हैं। तो मारुति 800 का आता है 794 सीसी इंजन आता है और इसमें 3 सिलेंडर आपको मिलता है, तो यही इस पर डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन आता है, इसका इंजन किस तरफ रहता है। तो बहुत सारे आदमी को मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, टाटा नैनो का इंजन पीछे तरफ में आता है। ये रियर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो इसका बैटरी का पोजीशन कहाँ है, बैटरी इसमें इस गाड़ी में कहाँ लगता है, उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। तो जो टाटा नैनो का बैटरी ड्राइवर सीट के नीचे में मिलता है, वो आपको दिखा देता हूँ। लोग देख सकते हैं इस तरफ बैटरी है, ये ड्राइवर सीट के नीचे आपको बैटरी लगाने के लिए मिलता है। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है फ्यूल फिलिंग। इस गाड़ी को फ्यूल कहाँ से फिलिंग करना है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें कहीं पे भी सारी गाड़ी को लेफ्ट या राइट में उसका वेंट दे देते हैं डीजल या पेट्रोल फिलिंग करने के लिए, लेकिन इधर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। आप लोग देख सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ वेंट्स नहीं दिया गया है। तो अगर इस गाड़ी को पेट्रोल भरनी है तो हम लोग को इस ट्रंक को ओपन करना पड़ेगा। इस ट्रंक को ओपन करके हम लोग को इस तरफ दिया गया है, यहाँ से हम लोग इसको पेट्रोल भर सकते हैं। इधर से हम लोग को पेट्रोल भरनी है। तो सब गाड़ी जैसा लेफ्ट राइट में बाहर में हम लोग को देखने नहीं मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, डिक्की कैसे ओपन होता है। तो इस गाड़ी में डिक्की कुछ अलग से नहीं मिलता है, पूरा बॉडी कवर्ड हो चुका है। इधर डिक्की की ऐसे नहीं कुछ नहीं मिलता हम लोग को देखने के लिए। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन से जो 2015 के बाद जो ट्विस्ट मॉडल आया है, ट्विस्ट और AMT मॉडल, उसमें हम लोग को डिक्की मिलता है। लेकिन ये पुरानी गाड़ी में उससे पहले जो जितना भी गाड़ी उसमें डिक्की नहीं मिलता है। हम लोग को स्पेस तो मिल जाएगा पीछे बूट स्पेस, उस बूट स्पेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग को फिर इस तरफ से एक्सेस करके इस चीज को बेंड करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इतना सारा बूट स्पेस हम लोग को मिलेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें ये वाइपर यूज करने के लिए हम लोग को वाटर का जरूरत होता है, तो वाटर फिलिंग टैंक किधर रहता है करके पूछा है। वो वाला टैंक भी इस ट्रंक में इस तरफ आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से पानी हम लोग को फिल करना पड़ेगा। एट्थ क्वेश्चन ये आ रहा है कमेंट्स में, वो क्या है, इस गाड़ी का ब्रेक्स कौन सा टाइप ब्रेक्स यूज किया गया है, या ड्रम ब्रेक्स या डिस्क ब्रेक्स। इन चारों पहियों में हम लोग का पूरा ड्रम ब्रेक्स यूज किया गया है, कहीं पे भी डिस्क ब्रेक यूज नहीं किया है। तो बहुत सारा गाड़ी में आगे दोनों डिस्क ब्रेक्स आते हैं, पीछे में ड्रम ब्रेक्स आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में चारों का चारे हम लोग को नॉर्मल ब्रेक्स मिलते हैं, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सो नाइन्थ क्वेश्चन आता है, इस गाड़ी में कितना गेयर्स है करके बहुत सारे आदमी पूछा है, तो उसके लिए अभी दिखाने वाला हूँ। टाटा नैनो का गेयर सिस्टम यह है, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 गेयर आगे जाने के लिए और एक रिवर्स गेयर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स कहाँ लगा हुआ आता है, तो वो भी बताने के लिए बोल रहे थे। तो फ्यूज़ बॉक्स आता है स्टीयरिंग के राइट साइड के नीचे, आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। वो फ्यूज बॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा फ्यूज बॉक्स है। फ्रेंड्स, बहुत सारे आदमी ये भी पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी माइलेज कितनी देती है। ये गाड़ी
नॉर्मल हाईवेज पे 25 तक आपको इजी से दे देती है, जैसे वो कंपनी क्लाइम की है उसी तरह ये पक्का 25-24 आपको मिल जाएगा। आप लोग एसी इसमें डाल के चलाएंगे तो इसमें 2-3 किलोमीटर का फ़र्क तो ऐसे ही आता है, जैसे सब गाड़ी में आता है उसी तरह इसमें 2-3 किलोमीटर का फ़र्क आपको मिल जाता है। और एक व्यूअर भी पूछ रहा है कि ये गाड़ी कितना स्पीड जा सकती है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूँ। टाटा नैनो ने ईजिली 100 के ऊपर जा सकती है, लगभग 110 तक इसका मैक्सिमम है, वहाँ तक तो ये गाड़ी जा सकती है आराम से। गाड़ी में 5 आदमी बैठेंगे तो लगभग 80-90 तक ही जाएगा, और 1-2 आदमी बैठने से 100 तक इजी से इस गाड़ी क्रॉस कर सकती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस गाड़ी में पावर विंडोज मिलते हैं कि नहीं। तो बेसिक वर्जन से उसमें तो आपको पावर विंडोज नहीं मिलते हैं, जो LX वर्जन है वहीं से आपको LX, ST और ट्विस्ट इस AMT में आपको पावर विंडोज फ्रंट टू डोर्स के आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं, पीछे डोर्स के तो नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनल क्वेश्चन ये है, तो आपका हेडलाइट्स क्यों इतना क्लीन है, आप लोग क्या यूज़ करते हैं इसको इस तरह मेंटेन करने के लिए। मैं बोल रहा था इसमें हम लोग कुछ नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी के साथ जो आया वही है, इसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, क्लीनिंग वीनिंग ऐसा कुछ नहीं किया है। ये पूरा का पूरा जो कंपनी से आया था ये 2009 मॉडल है, उस समय से ऐसा है, क्योंकि हम लोग ऐसे तरह छाव में हम लोग गाड़ी को खड़ा कर रखता है और बारिश भी इसके ऊपर नहीं गिरता है, तो इसलिए ये इस तरह चमक रहा है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, जो मेन क्वेश्चंस आ रहे थे उसी को लेकर मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का क्वेश्चंस को आंसर मिल गया होगा, तो आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।